कुसुम, आप देख रहे हैं खबर हरपन न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों की ओर। जल का भुगतान न करने वाले उपभोक्ताओं से बकाया राशि की वसूली के लिए नगर निगम ने कुर्की अभियान शुरू किया है। बुधवार को इस अभियान में दिलचस्प बकाया सामने आया। यहां दर्पण कॉलोनी में रहने वाले राजेंद्र पाल के यहां 82,896 रुपए की बकाया वसूली करने पहुंची टीम ने राशि भुगतान न करने पर उपभोक्ताओं के घर पर बंधी भैंस कुटकर लाल टिपारा गौशाला में भेज दी। उधर दीनदयाल नगर में रहने वाले दीनानाथ पाल ने 67,355 रुपए का बिल जमा कराया तो टीम ने उनकी भैंस और चारपहिया वाहन मुक्त कर दिया। इसी तरह अजमेर पाल ने 77,800 रुपए की बकाया राशि का मौके पर भुगतान किया तो निगम के अपर आयुक्त मुकुल गुप्ता और उपायुक्त एपीएस भदौरिया ने उनकी भैंस को मुक्त कर दिया। क्या नाम है आपका? दीनानाथ। क्या करते हो? सब कुछ नहीं, ये मजबूरी और दो चार भैंसा पली है। हाँ, आपके साथ क्या हुआ, किसने किया, क्या? अरे सब ऐसा मारने के भदौरिया जी थे और वे पाँच से बैसे थे सारे, ऐसे मतलब 25 लोग थे वे कम से कम। पाँच छः गाड़ी नगम से आए थे ना। हाँ, तो उनने बोली थी कि बिल ज़्यादा है, तो उन्होंने कही साहब मेरा हमारा तो एक भाई कैंसर हो गई है और छोट भतीजा 4-5 महीना पहले ख़त्म हो गया है। एक्सीडेंट से 32 साल का था। अब उनने वो मना करी, मतलब 12 तारीख को बच जाएंगे, जितना मतलब थोड़ा बहुत लॉस मिल जाएगा। सुनने के नहीं, अभी भरोसा गाड़ी कोला देने लगे, बुटीना गाड़ी मारी भर कर दिया। उन्हें 25 लोग थे, 5-6-7 गाड़ी थी। हाँ, 5-6 गाड़ी थी, बड़ी गाड़ी भी लाद रही थी, गाड़ी आ गई बड़ी भैंसा लाद रही थी 5-6, और टेंडर था वो भी लाद लिया था। तो हमने जान लिया ले जाकर बाहर रख दिया था उधर अंदर को। भैंसा लगे थे 5, उसके जैसे। और आपने कितना बिल भरा है अभी? अभी हमने साहब 5 लोगों ने भर दिया 70-70, कौन 70, कौन 80, कौन 70, कौन 80,000। तो मतलब हमारी तो उतार नहीं, एक भैया छोटा भाई था उसकी, उस पर पैसा नहीं हो पाए तो उन्हें गले रोबागाई करी कि हम मतलब कल भर देंगे, सुबह भर देंगे। तो उन्हें टूड़ा फाड़ी कर दी, धक्का मक्का देने लगे उनमें, और फिर गेट को मतलब टेढ़ा हो गया गेट थोड़ा। ग्वालियर में हम लोगों ने जलकर को लेकर एक विशेष वसूली अभियान चलाया है। यहाँ पर लगभग 100 करोड़ रुपये की बकाया वसूली बाकी है और लोग काफ़ी वर्षों से वसूली नहीं दे रहे थे। तो अभी हाल ही में हम लोगों ने वसूली की, जो जब समीक्षा की थी तो उसने टारगेट भी दिए हैं कि सभी अधिकारी वसूली करें, क्योंकि हम लोग को पानी का जो बिल आता है वो देना पड़ता है, हमें बिजली का बिल देना पड़ता है और हमारा जो खर्चा बहुत ज़्यादा है उसके अगेंस्ट में हमारी रिकवरी बहुत ही कम थी। तो एक विशेष अभियान चलाया है। इसी अभियान के तहत कुछ हमारे डेयरी वाले भी थे जो काफ़ी लंबे समय से नहीं दे रहे थे और बार बार उनको नोटिस जारी हो रहे थे, उसके बावजूद भी पैसा नहीं जमा कर रहे थे। तो हमारी टीम ने उसके बड़े अनोखा अभियान चलाया, उनकी भैंस भी जब्त कर ली। जब्त करते ही उनके द्वारा 2 लोगों ने तत्काल राशि जमा कर दी, एक व्यक्ति की कुर्की भी की गई और उसको हमने गौशाला में भेज दी, वहाँ पर रख दिए। मैंने देखा है कि हमारी जो टीम अभियान चला रही है लोगों को पहले कन्विंस करती है, नहीं मानते फिर हम सख्त कार्रवाई भी करते हैं और इस प्रकार हमारी जो वसूलियाँ बढ़ती जा रही हैं। मैं ग्वालियर की जनता से विनम्र निवेदन करता हूं कि आप